My dear learning participants, my dear students, ladies and gentlemen, we are here for another session of Principles of Management. I hope you are doing fine. So far, I am fine. I enjoy interacting with you, although it is a virtual interaction, but I am sure the way you like to interact, the way you like to learn the concepts, it is the learning satisfaction. Which really makes the difference. And I am using this. I to use this. It is in fact your learning which is important to me. It is your management, your learning management, which is really significant to me. And this is what we are trying to develop the concept of organization, you and me working together to achieve the goal. लास्ट सेशन में हमने ये बात कही थी कि ऑर्गेनाइजेशंस को हम एज ए सिस्टम एज्यूम करने की कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे और फिर जब ऑर्गेनाइजेशन को एज ए सिस्टम हम एज्यूम करेंगे तो फिर हम ये देखना चाहेंगे कि आखिर ये हवा में तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन अच्छा जरा थोड़ा सा विचुअल ऑर्गेनाइजेशन को जहन में ले आइए आप ही कहेंगे जी वो तो हवा में होती है माय डियर स्टूडेंट्स हवा में तो वो नहीं होती विचुअल ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी एक मार्केट होती है विचुअल ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने कस्टमर्स होते हैं विचुअल ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी स्ट्रेटजीज कम्युनिकेशन चैनल्स टेक्नोलॉजी इट द दर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन तो हवा तो उसको इफेक्ट नहीं करती लेकिन वट व्यू ट्राइंग टू लर्न देर आर सर्टन एलिमेंट्स विच इफेक्ट दर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम मे इट बी A physical organization may it be a virtual organization. It is a system. Better it is an open system, better it is interacting with the environment. Let's try to learn what are those environmental factors and how are we going to deal with it? Because as a manager, we have to make a good decision. As a manager, we have to make organization efficient and effective. एफिशिएंट और इफेक्टिव तो होनी चाहिए ना इसलिए कि आपकी प्रमोशन, आपकी सैलरी आपका बोनस आपका रिवॉर्ड भी तो इस चीज पर डिपेंड करता है ना कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे वो क्या काम कर रही है उसके कस्टमर्स कितने हैप्पी हैं आप किस क्वालिटी के प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो आइए फिर देखते हैं कि एन्वायरमेंट किस तरह से इफेक्ट करता है कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं और उनको फिर हमें कैसे कोप करना है कैसे उसके साथ लिव करना है और कैसे अडेप्ट करना है कैसे फ्लेक्सीबली अपने आप को भी उसके मुताबिक ढालना है कैसे ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंट के चैलेंजेस को फेस करने के लिए इनोवेट करना है चेंज करना है रीस्ट्रक्चर करना है या री इंजीनियर करना है लेकिन करना आप ही को है यू हैव टू डू इट एंड आई एम श्योर पाकिस्तानीज वी हैव ऑल दी एबिलिटी एंड पोटेंशल टू मेक दर्गेनाइजेशन द बेस्ट इन द वर्ल्ड यह छोटा सा रिकैप था जो हमने पिछले सेशन का किया देखिए ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने अभी अर्ज किया एनवायरमेंट के अंदर प्ले कर रही हैं इंट्रैक्ट कर रही हैं ये पोलिटिकल एनवायरमेंट भी हो सकता है पोलिटिकल सिस्टम ये इकोनॉमिक सिस्टम भी होगा आखिर किसी गवर्नमेंट के अंदर किसी मुल्क के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उस पर इफेक्ट कर रही हैं डेमोग्राफी क्या लोकेशन है मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं किस तरह से ये सारी चीजें मिलकर क्या ये फैक्टर्स हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट कर रही हैं लीगल सिस्टम क्या है सोशियोलॉजिकल सिस्टम क्या है सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है यह सारी वो चीजें होंगी जो हम जनरली एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव में लर्न करना चाहेंगे तो आइए फिर देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल एनवायरमेंट सो इन वर्ड वी हैव एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड द इंटरनल एनवायरमेंट तो कहने की तो जरूरत नहीं ना जब एक्सटर्नल है तो इंटरनल एनवायरमेंट भी होगा यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरमेंट कैसा है कैसे वो उसकी प्रोडक्ट सर्विसेस प्रॉफिट्स याद है हमने पिछली दफा कहा था एम्प्लॉयज की ग्रोथ एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन पर कैसे इफेक्ट कर रहा है और एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है सो वट वी मीन एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज वट आर दोज आर दोजर फैक्टर्स आउटसाइड दर्गेनाइजेशन बट दे है पोटेंशियल टू इंफ्लुएंस सिग्निफिकेंटली प्रोडक्ट और दर्विस एंड इवन दक्सेस ऑफ दर्गेनाइजेशन करता आपने देखा होगा कि एक ऐसा वाक्य हो जाता है मार्केट में ऐसी चेंज आ जाती है आजकल आपने नोट किया कंपेयर कीजिए पिछले सालों में गर्मियों के दिनों में कूलर्स की मार्केट को रूम एयर कूलर वर्सेस स्प्लिट एयर कंडीशनर की मार्केट को आज से चंद साल पहले स्प्लिट एयर कंडीशनर्स की कीमत थर्टी फोर्टी थाउजेंड तक होती थी Room coolers' price was 4 10 thousand. And I think both of the products were being sold excellently. But lately, when the global competition is there, when different economies are merging together, when a new sector of economies, new markets are emerging. स्प्रिट एयर कंडीशनर्स दी प्राइसिस आर गोइंग डाउन एवरी डे एंड नेचुरली इट इज गोइंग टू इफेक्ट किस मार्केट को किन ऑर्गेनाइजेशन को वो जो रूम एयर कूलर बनाती थी तो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट की सक्सेस या फेल्योर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेल्यूर पर इफेक्ट होती है दैट्स वॉट वी आर सेक्सटर्नल एनवायरमेंट एक्स एनवायरमेंट के दो हिस्से हैं एक को हम कहते हैं मेगा एनवायरमेंट दूसरे हमको कहते हैं टास्क एनवायरमेंट वी मीन बामेंट दीज आर दो ब्रॉड कंडीशन सोसाइटी की कंडीशंस, गवर्नमेंट की कंडीशंस, दीज आर दो ब्रॉड कंडीशंस एंड ट्रेंड्स इन सोसाइटीज इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट अभी उसकी मिसाल देखते हैं कि मेगा एनवायरमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स कौन कौन से एलिमेंट्स किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन पर इंटरैक्ट करते हैं इफेक्ट करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं और दूसरा जो हम एनवायरमेंट एक्सटर्नल के अंदर देखना चाहेंगे वो टास्क एनवायरमेंट है इस एनवायरमेंट के अंदर वो स्पेसिफिक चीजें स्पेसिफिक आउटसाइड एलिमेंट्स विद विच दर्गेनाइजेशन इज इंट्रैक्टिंग इंटरफेसिंग वाइल देर डूइंग दियर बिजनेस वाइल डूइंग देयर बिजनेस While carrying out their tasks in the task environment, what are those factors which are affecting the organization to perform? It will affect its efficiency, it will affect its effectiveness, it can affect its profits, it can affect its losses. Losses can go up, profits can go down, sales can increase, sales can decrease, and ultimately, who is making the decision? I think it is you and me. The managers, they have to make the decision how to adjust, how to adapt, how to change, what to do, what not to do, what technology to bring, what system to implement, how to face the competition. I am a new Competition, competitors. Now, look, competitor or competition. It could be local. It could be international. अब आप ये तो नहीं कह सकते कि जी इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स ना आए लेट्स ब्रिंग द एग्जांपल ऑफ वंस अगेन कंप्यूटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स डेस्कटॉप्स, लैपटॉप जरा देखिए पिछले कितने सालों में उसकी कीमतें किस तरह से डे बाय डे वीक बाय वीक कम हो रही हैं कंपेयर द प्राइसेस ऑफ रैम कंपेयर द प्राइसिस ऑफ हार्ड डिस्क एंड सी लुक एट दी सी ड्राइव हाउ द प्राइसेज आर चेंजिंग देन यू वुड लाइक टू सी देन हाउड यू परफॉर्म यूर टास्क हाउड यू लाइक टू डील इन दायरमेंट तो आइए जरा फिर इनकी तफसी देखते हैं तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट और इंटरनल एनवायरमेंट पहले हम एक्सटर्नल की बात करने लगे हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर दो एनवायरमेंट्स की हम बात कर रहे हैं एक मेगा एक टास्क मेगा से हम ये मुराद ले रहे हैं दो फैक्टर्स दोस्त ट्रेंड्स विच आर अवेलेबल इन ए सोसाइटी इन ए गवर्नमेंट which will affect the organization e organization this organization per catch is occurring externally mega environment or general environment number one what are the global trends number two what's the political system what are the political trends number three what are the technological trends number four what are the economic trends and then टास्क एनवायरमेंट स्पेसिफिक एनवायरमेंट इस कंपनी के लिए देखिए जो मेगा एनवायरमेंट है वो तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जैसा होगा जो इकोनॉमिक सिस्टम जो पॉलिटिकल सिस्टम जो टेक्नोलॉजी का सिस्टम कंपनी ए के लिए बैंक्स की एग्जांपल ले लीजिए जो बैंक ए पर इफेक्ट करेगा वही चीजें बैंक बी पर भी इफेक्ट करेंगी लेकिन जो टास्क एनवायरमेंट है जो स्पेसिफिक ये तो आपकी कंपनी का स्पेसिफिक है उसमें आपके कस्टमर्स कौन हैं? कस्टमर्स का ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है फिर कस्टमर्स में आया ये सीनियर सिटीजन है फीमेल हैं मेल हैं टीनेजर एजर हैं अर्बन है सबर्बन अर्बन है रूरल हैं कस्टमर्स नंबर टू आपके सप्लायर्स कौन हैं? सप्लायर्स का प्राइस ट्रेंड क्या है सप्लायर्स रिलायबल हैं कि नहीं

लेकिन जरा गौर कीजिए कुछ ऐसी कंपनियों के नाम जहन में लाइए कि जिनके आपस में मर्जर्स होते हैं क्यों मर्जर्स होते हैं दो कंपनियां मिलती हैं तीन मिलती हैं उनके मर्जर्स होते हैं अच्छा फिर बाजुकात बाजुकात आपने नोट किया होगा कुछ पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स होते हैं एनजीओ का नाम आपने सुना होगा कुछ और इस किस्म के पब्लिक ग्रुप्स हैं ग्रीन मैनेजमेंट ग्रुप्स भी आपको नजर आएंगे ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन नजर आएंगी, एनवायरमेंट से रिलेटेड ग्रुप्स नजर आएंगे ये भी आपके टास्क के एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं बाजू का होता है कि उनके प्रेशर की वजह से आपको किसी प्रोडक्ट को या उसकी स्पेसिफिकेशंस को विद्रॉ करना पड़ता है चेंज करना पड़ता है या ऑल टूगेदर ऑल टूगेदर मार्केट से उसको डिसअपियर करना होता है मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं टास्क एनवायरमेंट की मल्टीनेशनल कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है आई एम श्योर आप वो पीते भी हैं लेकिन वे बैक ट्वेंटी ईयर्स अगो दे मेड अ डिसीजन किसने किया मैनेजर्स ने कि वी लाइक टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक और उसकी जगह पर ऑफ कोर्स उन्होंने सर्वे किया मार्केट रिसर्च की लोगों से पूछा बल्कि उस नए मशरूब का टेस्ट भी करवाया और लोगों को कहा कि जी हम इसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं लोगों ने कहा बहुत खुशी से कीजिए कस्टमर्स ने कहा बहुत खुशी से कीजिए फिर उन्होंने अनाउंस किया कि फला तारीख से हम यह नया प्रोडक्ट यह नया मशरूब यह नया सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च कर रहे हैं और जैसे ही वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसके कस्टमर्स ने कंप्लेन करना शुरू की माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्लेन क्या थी भाई कंप्लेन ये है कि जो हम पहले प्रोडक्ट पीते थे जो सॉफ्ट ड्रिंक आप हमें पहले देते दे थे आपने उसे बंद क्यों कर दिया तो कंपनी ने कहा हमने तो आपसे पूछा था वी आस्ट यू डू यू लाइक द न्यू प्रोडक्ट डू यू लाइक द न्यू टेस्ट तो कस्टमर्स ने कहा आपने ये तो हमसे पूछा और हमने कहा यस वी लाइक द न्यू टेस्ट लेकिन आपने हमसे यह तो नहीं पूछा कि हम वो पुराना टेस्ट जो है वो क्लासिक टेस्ट जो है उसको बंद कर रहे हैं और यकीन कीजिए जो चीज 25 पैसे में बिकती थी वो डेढ़ रुपए में बिकने लगी मैं एक मिसाल दे रहा हूं इट कुड कि वो 25 सेंट में बिक रही थी फिर वो डेढ़ डॉलर में बिकने लगी अब मिसाल एग्जाम्पल थोड़ी ज्यादा बेहतर हो जाएगी इसलिए हमारे यहां तो पच्चीस सेंट में कोई मशरूब का गिलास नहीं आता ना लेकिन एफ से ट्वेंटी फाइव सेंट वर्सेज डॉलर दैन इट मेक्स अ डिफरेंस टाइम कस्टमर्स कैन क्रिएट अ प्रेशर ग्रुप अच्छा कंपनी को फिर अपना फैसला विड्रॉ करना पड़ा उनको वही प्रोडक्ट जो कंपनी बंद करना चाह रही थी देखिए कितनी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि कंपनी उस प्रोडक्ट को यह समझती है कि तीस चालीस साल पचास साल हो गए हम इसकी जगह नया प्रोडक्ट ला रहे हैं कस्टमर्स कहते हैं जी नो वे वी आर योर कस्टमर्स यू आर हियर बिकॉज ऑफ एस तो टास्क एनवायरमेंट जो है जिसमें कस्टमर्स ने रोल प्ले किया और उस मल्टीनेशनल कंपनी के उस प्रोडक्ट को जो अभी मार्केट में क्लासिक के नाम से बिक रहा है मौजूद है कस्टमर्स आर हैप्पी एंड सो इज ऑर्गेनाइजेशन लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स मैनेजर्स को बाजुकात अपने डिसीजंस को चेंज करना होता है इसका मतलब यह हुआ कि मेगा एनवायरमेंट में फिर आपको इकोनॉमिक एलिमेंट को लीगल और पोलिटिकल एलिमेंट को सोशियो कल्चरल एलिमेंट को टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट को और इंटरनेशनल एलिमेंट पांच एलिमेंट्स के मैंने नाम लिए प्लीज कीप इन माइंड मेगा एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नंबर वन हाउ इज द इकोनॉमिक सिस्टम वर्किंग व्हाट आर द इश्यूज माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट आर द इश्यूज हाउ द टैरिफ इज बीइंग चेंज वट आर द डी रेगुलेशन का नाम आपने सुना होगा ना पूरी दुनिया में इस वक्त डी के परस्पेक्टिव के अंदर जरा मुझे बताइए कि टेलीफोन कंपनियों के रेट्स जो हैं ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं डी एंड बिकॉज ऑफ दिस डी इट्स एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट इज इफेक्टिंग द टास्क एनवायरनमेंट ऑफ द फोन कंपनीज लीगल पॉलिटिकल सिस्टम लीगल पोलिटिकल एलिमेंट You open your markets or some examples they, you open your borders, you make a law that all right, we follow WTO WTO world trade Organization. It is an organization. Pakistan is a member of that organization. We are talking about free market economy. then of course, political pressure also builds up. आप नेबर्स को देख लीजिए पाकिस्तान के नेबर्स वहां पर पोलिटिकल एलिमेंट जो है आपकी कंपनी के प्रोडक्ट उसकी सक्सेस उसके प्रॉफिट इफेक्ट होता है टेक्नोलॉजी यस इट डज मैटर हाउ ओल्ड इज योर टेक्नोलॉजी वट न्यू टेक्नोलॉजी इज बींग इंट्रोड्यूस्ड एंड ऑल ऑफ दीज इशूज इन मेगा एनवायरमेंट मेक्स ए डिफरेंस ये पांच एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे Technological element means what is the current state of knowledge regarding the production of products and sources. Bank's ki example, lijiye. Kuchh arsa pehle, kuch saal pehle, hardly koi technology thi. Ledgers the, books thi, bookkeeping haath se hoti thi. Ab kya hai? You don't have to go to the bank. You can sit at your home, go online, and use the online banking transfer funds. पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स एंड गो थ्रू द इंटरेक्शन विद द बैंकिंग प्रोसेस वाइल सेटिंग एट होम टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट की बात हम कर रहे थे बैंक के हवाले से ए टीएम मशीन का नाम आपने सुना होगा बड़े शहरों में रहने वाले तो उसको यूज करते हैं तहसील लेवल पर भी कुछ बैंक्स ने ए टी एम मशीन इंस्टॉल की हुई है बैंक के बाहर

But do you have the technology, current, to receive that data, to transcribe it, to convert one type of data into the text data and send it back? And you make money out of it. So, input, throughput, output, and you get a feedback how quality production, how quality service you are delivering, you will be in business. इकोनॉमिक एलिमेंट की हम बात कर रहे थे मेगा एनवायरनमेंट में मैंने कहा आर द इकोम बात की इको टॉकउ सिस्टम ऑफ कंज्यूमिंग द वेल्थ एंड दल रिसोर्सिस ऑफ दोसाइटी तीसरा मेगा एनवायरमेंट के अंदर जो फैक्टर इंफ्लुएंस करता है वो उसका लीगल पोलिटिकल एलिमेंट है एंड दिस सिस्टम विदिन विच एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क काम तो आपको करना है ना मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान की लीगल परस्पेक्टिव के अंदर देखते हैं सी बी आर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवन्यू उसने कुछ कवानीन बनाए हैं वो कवानीन इनकम टैक्स के हैं वो कवानीन सेल्स टैक्स के हैं यू हैव टू वर्क विद इन दो लॉस यू कैनॉट से आई एम सॉरी

पॉलिसी मेकिंग भी शॉर्टर होगी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी उसके मार्केट पर उसके ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट आएंगे चौथा एलिमेंट सोशो कल्चर जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं लोगों का एटीट्यूड लोगों की वैल्यूज लोगों का बिहेवियर उस प्रोडक्ट के लिए क्या है मार्केट के अंदर आपको पता ही चलता है कि जी यह कैसी कंपनी है एक जो ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रही है इसके साथ ये फलां चीज अटैच है ये जो एक सोशियो कल्चरल फैक्टर उसके साथ अटैच हो जाता है कि ये प्रोडक्ट फलां कंपनी ने बनाया है हम इसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे ये प्रोडक्ट फलां मल्टीनेशनल ने बनाया है ये प्रोडक्ट किस कंपनी में किस मुल्क में सेल हो रहा है

how the customers in Europe are going to look towards it and how their attitude and behavior would be directed towards this organization and ultimately it does affect. I me give you an example of this. Salcoat is it for at least two things. Sporting goods and surgical goods. ये जो खेलों के प्रोडक्ट्स वहां बनते हैं क्रिकेट बैट्स हैं हॉकी बैट्स हैं फुटबॉल्स हैं इसमें ये इशू कई दफा आता है जो सोशो कल्चरल इशू के परस्पेक्टिव के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्लोबल लेवल पर फुटबॉल के मैचेस करवाती हैं या वो कंपनियां जो फुटबॉल बनवाती हैं सियालकोट से इंटरनेशनल कंपनियां ब्रांड कंपनियां वो बाजुकात इन इश्यूज़ को रेस करते हुए अपना फैक्टर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करती हैं कि जी आप जरा बताइए हमें आप अपनी प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी के अंदर दस बारह साल के बच्चे कितने हैं जो लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं उनका नंबर ये होना चाहिए उनका नंबर वो होना चाहिए ये फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो आपकी कंपनी के प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं और आपको बार You have to listen to it, you have to live with it. And in the last mega environment, the issue is the international element. Because you are basically working in a globe. You are developing your product in your home and you are selling it to the international market. So, what are those potential organizations in the international market which can affect your product? Software developed in Pakistan. When it goes into the international market, you are competing with the international software development companies. What is the level of quality? What is the level of reliability? What is the level of scalability? What is the level, what is the level of reproducibility? What is the level of maintenance? These issues compare IT. वहां स्पीड का कोई इश्यू नहीं है बट माई डियर स्टूडेंट येस इट काउंट्स वट इज द टाइम रिक्वायर टू कैरी आउट वन ट्रांजेक्शन मे बी इट्स इन माइक्रो सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स टेन टू माइनस सिक्स सेकेंड बट इट डज काउंट वो जो बाजूकात आप एक कमांड देकर बैठ जाते हैं और कमांड प्रोसेस नहीं होती आप परेशान भी होते हैं इसका मतलब यह है स्पीड इज ऑल्सो ए मैटर वेन यू आर लुकिंग इन द इंटरनेशनलियो रिमेंबर फ्यू लेक्चर्स अगो आई से क्वालिटी रिलायबिलिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इफ यू आर वर्किंग इन द ग्लोबल मार्केट आई एफ जरा टास्क एनवायरमेंट को देखते हैं टास्क एनवायरमेंट में हमने कहा था यह हर कंपनी का एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट है इसमें कौन है कस्टमर्स हैं कंपिटिटर्स हैं लोकल गवर्नमेंट और रेगुलेशन एजेंसीज हैं सप्लायर्स का हमने नाम लिया था प्रेशर ग्रुप की भी हमने बात की थी ये चंद वो फैक्टर्स हैं ये चंद वो एक्टर्स हैं ये चंद वो एजेंट्स हैं जो आपकी कंपनी के वर्किंग पर इफेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इससे इन्फ्लुएंस होती है प्रोडक्शन प्रोसेस पर इंफ्लुएंस करती है और अल्टीमेटली आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इससे इन्फ्लुएंस भी होती है आइए प्रजरा इसको थोड़ा थोड़ा तफसील में देखें नंबर वन कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स डू दे हैव अ वॉइस आई एम श्योर दे है एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं एक रिटेल स्टोर था नॉर्थ अमेरिका में ए कस्टमर वेंट टू दी वॉज मिसबिहेवड by the manager in the retail store she went home she wrote an email, kisko? dusre customers ko? to whom it may concern yeah. ji dekhe, main store mein gayi thi? mere kiya is there anyone who can help me out to let this company know to let this organization know to let these managers know that they should not misbehave with their customers within half an hour 500 emails went to the chief executive, top manager of that retail, retail store. Pata hai? Agle 15 minute ke andar, chief executive wrote a public apology through the email to that customer and to the others. We are sorry. We will not let it happen again. And we take care of the our customers, we do respect our clients, and yes.

जो टास्क एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं दूसरा टास्क एनवायरमेंट के अंदर जो एलिमेंट इफेक्ट करता है वो आपके कंपिटिटर्स हैं अदर ऑर्गेनाइजेशंस आइदर दे ऑफरिंग मे बी एट ए लोअर प्राइस और मे बी ऑफ अ बेटर क्वालिटी और मे बी अ बेटर सर्विस फास्टर सर्विस मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं फूड चेंज भी है रेस्टोरेंट भी हैं होटल्स भी हैं आप जरा जोन जेन में लाइए एक ऐसा रेस्टोरेंट कि जिसमें आप जाएं और कुक या शेफ उस रेस्टोरेंट का आपके सामने बैठकर आपसे पूछकर आपके टेस्ट का खाना बनाए सो यू आर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फूड विच इज गोइंग टू बी सर्व इन फ्रंट ऑफ यू हर चीज आपको नजर आ रही है एक कंपिटिटर इस किस्म का खाना प्रोवाइड करता है एक दूसरा पीछे किचन में बनाता है जैसे आम किचन में बनता है कौन सा आप पसंद प्राइस एक है कौन सा आप पसंद करेंगे I'm sure you will be more likely to see कि भाई मुझे क्या पका दिया जा रहा है कैसे पका के दिए जा रहा है कौन से इंग्रेडिएंट डाले जा रहे हैं और आई एम श्योर जब आपके सामने वो पकेगा यू विल बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन आपको और भूख लगेगी और उस रेस्टोरेंट का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंटली देखें उसमें वो अपना कंट्रीब्यूट करें सेटिस्फाई हो वो सेटिस्फाई होंगे दोबारा भी आएंगे वी विल बी इन बिजनेस एंड वी विल मेक देम हैप्पी आप अपने कंपिटिटर से बेहतर सर्विस बेहतर प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं तीसरा जो इश्यू टास्क एनवायरमेंट के अंदर रोल प्ले करता है वो आपके सप्लायर्स हैं इसलिए कि आपको मटेरियल जो खरीदना है वो आपके कोई ना कोई सप्लायर तो होंगे तो सप्लायर कस्टमर की जो रिलेशनशिप है ये नहाय अहम है माय डियर स्टूडेंट्स आई एम ए सप्लायर यू आर अ कस्टमर नाउ वंस यू लर्न दिस यू बिकम्स अ सप्लायर एंड ऑर्गेनाइजेशन विद विच एंड विद होम एंड टू हूम यू आर गोइंग टू वर्क विल बी योर कस्टमर क्या ख्याल है आप डिग्री लेने के बाद जब मार्केट में जॉब के लिए जाते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपका कस्टमर है हाउ गुड यू कैन डिलीवर योर नॉलेज हाउ गुड डिसीजन यू कैन मेक हाउ बेस्ट यू कैन परफॉर्म दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आइए फिर चौथा और पांचवा फैक्टर जो टास्क एनवायरमेंट में रोल प्ले करता है उसको देखते हैं चौथा फैक्टर टास्क एनवायरमेंट में लेबर सप्लाई का है दोज वर्कर्स आर गोइंग टू परफॉर्म इन यूर ऑर्गेनाइजेशन दोन एंड दे आर गोइंग टू प्ले अ रोल वेदर दे आर इन शॉर्ट सप्लाई वेदर दे आर इन सप्लाई बाजूकत टेक्नोलॉजिकल सेमाईस्किल्ड या स्किल लेबर की शॉर्टेज होती है आपने अखबारों में बाजूकत पढ़ा होगा कुछ ममालिक पाकिस्तान से ही कहते हैं कि हमें इतने हजार वर्कर्स चाहिए लेबर की सप्लाई है और लेबर की सप्लाई अगर शॉर्ट होगी तो आप खुद अंदाजा कर लीजिए टास्क एनवायरमेंट पर उसका क्या फर्क पड़ेगा पांचवा इशू जो टास्क एनवायरमेंट पर इफेक्ट करता है वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ है क्या ख्याल है ये बात सही है गवर्नमेंट एजेंसीज़ का क्या रोल होता है दीज आर दिच आर प्रोवाइडिंग सर्विस एंड दे मॉनिटर दैट यू आर कंप्लाइंग विद एंड द रेगुलेशन द लोकल लेवल स्टेट लेवल रीजनल लेवल नेशनल लेवल मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं एनवायरमेंटल लॉस स्टेट लॉस भी हैं, लोकल लॉस भी हैं और नेशनल लेवल पर भी लॉ है बल्कि इसके कुछ स्टैंडर्ड्स भी बने हुए हैं कि आप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए किस किस किस्म का किस लेवल का धुआं आप एनवायरमेंट में फेंक रहे हैं इस पर मुख्तलिफ कवानीन बनते रहते हैं उन कवानीन को फिर इंप्लीमेंट किया जाता है लेबर लॉज हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट की मदद से ऑर्गेनाइजेशन पर मैनुफेक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस पर उन लॉज को इंप्लीमेंट करती है आपने बाजूकात सोशल सिक्योरिटी का नाम भी सुना होगा ना सोशल सिक्योरिटी लॉ Is implemented in all the industries and companies and manufacturing sector. So, these are those agencies which ask the organization and affect the task environment that you have to implement these laws while you are developing your product or service. a important model. Porter's model? It is a very famous model, and this model tells us. हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन दायरमेंट यू हैव टू कीप इन माइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम वर्किंग इन एन एनवायरमेंट देर कुड बी सम थ्रेट फ्रॉम द न्यू कंपिटिटर्स नई फार्मास्यूटिकल कंपनियां लगती हैं नए स्कूल खुलते हैं नई यूनिवर्सिटियां आती हैं पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में उनका क्या इफेक्ट होगा उन ऑर्गेनाइजेशन पर जो ऑलरेडी काम कर रही है फिर कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर बायर्स या कस्टमर्स कि बार्गेनिंग पावर ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है कि कस्टमर जो है वह डिक्टेट करता है और खासतौर पर जब बल्क क्वांटिटी के अंदर होलसेल लेवल के ऊपर या बिजनेस टू तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू तो ऑर्गेनाइजेशन जब काम हो रहे होते हैं तो उस वक्त यह चीज नहाय अहम रोल प्ले करती है कि किस तरह से कस्टमर अपनी प्राइस को ऑर्गेनाइजेशन पर डिक्टेट करता है बार्गेनिंग है और उस तरह से वो अपनी प्राइस को कम भी करवाता है चौथी चीज इसके अंदर जो रोल प्ले कर रही है वो ये कि अगर फर्ज कीजिए ये प्रोडक्ट इस वक्त जो मार्केट में बिक रहा है इसका कोई तो आ जाए मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको याद है रूम कूलर वर्सिज स्प्लिट एयर कंडीशनर अगर तो प्राइस डिफरेंस बहुत है तो ये एक दूसरे का सब्सिट्यूट नहीं है लेकिन अगर प्राइस रेंज क्लोज हो जाए तो नेचुरली पीपल आर गोइंग टू बाई स्प्लिट एयर कंडीशनर रादर देन रूम कूलर यह थ्रेट अपनी जगह पर रहता है और आखिरी थ्रेट इस मॉडल के अंदर जो पोर्टर का मॉडल है यह बड़ा फेमस मॉडल है कि अगर कस्टमर्स की बायर्स की बार्गेनिंग पावर है तो सप्लायर की भी बार्गेनिंग पावर हो सकती है जो आपको चीजें सप्लाई कर रहे हैं किस टाइम पर सप्लाई कर रहे हैं किस क्वालिटी की सप्लाई कर रहे हैं कितना टाइम फैक्टर है या कितना साइकिल टाइम है ये सारी चीजें वो हैं कि जो आपके बिजनेस आपकी टास्क आपकी प्रोडक्शन पर इफेक्ट करती हैं और इन सब को आपको ख्याल रखकर एज ए मैनेजर फिर फैसला करना होगा कि प्रोडक्शन सर्विस प्रॉफिट्स लॉसेस किस तरह से स्टाफ की ग्रोथ किस तरह से स्टाफ की ट्रेनिंग आउटपुट के तौर पर एक एफिशिएंट और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हम मार्केट के अंदर सस्टेन भी कर सकें

शेयर्ड बिलीव शेयर अंडरस्टैंडिंग्स शेयर्ड फीलिंग्स पीपल कमिंग टूगेदर यूनाइटिंग टूगेदर बाई टेलिंग भाई हम यहां पर काम इस तरह से करते हैं या यहां पर काम ऐसे होता है जब आप कह रहे होते हैं ना कि यहां पर काम ऐसे होता है इन अ वे आप ये बता रहे होते हैं कि हमारी कंपनी का हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है इसको बाजूकात हम यू भी डिफाइन करते हैं कि बेसिकली इट इज अ ग्लू इट इज द बाइंडर डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टूगेदर और वो जब लोग एक कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं वहां कोई ना कोई डिफरेंस तो आता है वो जो बाइंडर होता है ना जो उस कंपनी के साथ काम करने में फिर अपना रोल नहीं प्ले कर रहा होता वो या तो वीक हो चुका होता है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कुछ शेयर्ड वैल्यूज के अंदर कुछ कमी हो जाती है या वैल्यू सिस्टम के अंदर कुछ क्लैश आता है तो इसको फिर हम कहते हैं इंटरनल एनवायरमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है दिस इज ए सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग एंड बिलीफ्स व्हिच आर हेल्ड बाई दर्गेनाइजेशन मेंबर्स और आप जरा मुझे बताइए कि क्या ये जो कल्चर है जो इंटरनल एनवायरमेंट जिसको हम कह रहे हैं क्या इसका भी उस कंपनी के प्रोडक्शन पर उस कंपनी की सर्विस डिलीवरी पर उस कंपनी के प्रॉफिट्स पर कोई असर डालता है सोचिए जरा अगर आप ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज बेसिकली द शेयर्ड मीनिंग एंड बिलीव्स विच द पीपल हैव वाइल वर्किंग देयर कोई चीज तो है ना जो उनको इकट्ठे रखती है कोई चीज तो है कि जो उस कंपनी के अंदर काम करते हुए उन्हें फोर्स करती है कि वो अच्छा काम करें कस्टमर्स की कंप्लेंट कम आए रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट है प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट है और उस पर्सपेक्टिव के अंदर एक विन विन सिचुएशन के साथ हम कस्टमर्स को हैप्पी करना चाहते हैं लेकिन बाजूकात कल्चर ऐसा भी होता है आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लेन कल्चर शाउटिंग कल्चर डिसरिस्पेक्टफुल कल्चर प्रोडक्ट्स नॉट गुड कंप्लेनिंग कल्चर कस्टमर्स कंप्लेनिंग एंप्लॉइज कंप्लेनिंग देखिए किसी प्रोडक्ट के अंदर अगर डिफेक्ट आ रहा है तो आप जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए कोई तो वजह है उसकी वो जो वर्कर उसको बना रहा है वो जो मैनेजर नॉन मैनेजर मिलकर प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कहीं तो प्रोसेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या वजह है कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉयज की सैलरी कम है कहीं ऐसी वजह तो नहीं कि एंप्लॉयज ट्रीटमेंट एंप्लॉयज का रिवॉर्ड सिस्टम एम्प्लाइज का बिहेवियर एम्प्लाइज को ट्रेनिंग परस्पेक्टिव के अंदर जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, ये है ना इंटरनल कल्चर क्या ये इफेक्ट करता है उस कंपनी की प्रोडक्शन पर आई एम श्योर इट डस इसलिए कि कंपनी के वर्कर्स ही तो हैं कंपनी के मैनेजर्स ही तो हैं जो कंपनी के कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं अब नेचुरली सोर्स ऑफ कल्चर जो है वो फिर हम ये कहना चाहते हैं कि उस कंपनी का जो फाउंडर है उसकी जो विजन है और जो उसका मिशन था जब उसने कंपनी को बिल्ड किया डेवलप किया जब तक उस कंपनी के वर्कर्स मैनेजर्स उस विजन को शेयर करते हैं वो स्ट्रांगली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसके साथ एक और चीज भी है जो अहम है और वो ये है कि उस कंपनी के अंदर एंप्लॉयज वो कैसे लर्न करते हैं याद है हमने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था काश तमाम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जाएं कि जिनमें ये कल्चर हो कि वो एंप्लॉयिज से लर्न करें एंप्लॉइज को लर्निंग प्रोवाइड करें एक शेयर्ड विजन के साथ लोग काम करें इट सीम्स डिफिकल्ट लेकिन मेरा ख्याल हो तो सकता है एक ऐसा इन्वायरमेंट हो कि जिसमें हर स्टाफ मेंबर अपने कस्टमर का ख्याल रखे अपने बॉस का ख्याल रखे अपने सबॉर्डिनेट्स का ख्याल रखे सो यू लर्न एंड यू ट्राई टू सी हाउ यू पुट दीज थिंग्स टुगेदर सो दैट यू है आइए फिर देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के वो कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के लिए और एफिशिएंसी के लिए हमेशा चाहेंगे कि वो बेहतर परफॉर्म करें एक लंबी लिस्ट है आइए इस लिस्ट के अंदर से कुछ स्पेसिफिक स्टेक होल्डर उनके बारे में उनकी तफसील देखें उनके इंटरेस्ट देखें उनकी डिजायर्स क्या हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करें नंबर वन पहला स्टेक होल्डर देखिए स्टेक होल्डर का मतलब तो समझते हैं ना आप स्टेक होल्डर मीन्स आई एम द वन

मैं आपकी लर्निंग में इंटरेस्टेड हूं अगर आप उठकर चले जाए तो लेक्चर कौन सुनेगा लर्निंग किसकी होगी फीडबैक कहां से आएगा इसलिए हमने कहा था ना कि चार कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के एज ए सिस्टम इनपुट थ्रूपुट, आउटपुट और फीडबैक तो नंबर वन जो स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट है वो कि जिसने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई ओनर वो किस चीज में इंटरेस्टेड है कंपनी किसना प्रॉफिट ला रही है फाइनेंशियल साउंडनेस नंबर टू मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है कि नहीं और मेरे साथ साथ अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपने देखा होगा शेयर की ट्रांजेक्शन होती है तो मुख्तलिफ कंपनियां उसके अंदर बाजूकात हजारों शेयर होल्डर होते हैं तो वो जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं वो ये चाहते हैं कि तमाम शेयर होल्डर्स को उनका ड्यू राइट right मिले ड्यू प्रॉफिट मिले प्रॉफिट मिलता रहे फिर ओनर्स का एक ये इंटरेस्ट भी होता है कि एवरेज रिटर्न क्या आ रहा है हमने पैसा तो इन्वेस्ट किया है एवरेज रिटर्न क्या है एवरेज रिटर्न अच्छा होना चाहिए टाइमली होना चाहिए दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कस्टमर है और ये कस्टमर की बात हम बार बार करते हैं कस्टमर की बात हम इसलिए बार बार करते हैं कि यह इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर भी है और इनका कंसर्न भी है ये चाहेंगे प्रोडक्टिविटी बेहतर हो ये चाहेंगे कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल हो हम जब उनको टेलीफोन करें कंप्लेन करें कुछ फीडबैक उनको दें रिस्पॉन्सिबल हो रिस्पॉन्सिव हो, फिर जो प्रोडक्ट ये हमें दे रहे हैं वो सेफ हो रिलायबल हो अच्छा फिर इनकी प्रोडक्ट की प्राइस कैसी हो मैं समझता हूं फेयर हो इनकी प्राइसिंग पॉलिसीज कैसी हैं इनकी प्राइसिंग ऐसा तो नहीं टू प्रॉफिट लेते हैं तो कितनी देर ले लेंगे पॉलिसी शुड बी फेयर एंड जस्ट अदरवाइज और एक आखिरी चीज कस्टमर्स के साथ ऑनेस्ट हो उनको जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज करके वो बता रहे हैं वही प्रोडक्ट उनको मिले जब वो खरीदने के लिए जाए तीसरा स्टेक होल्डर जो बड़ा अहम है वो उस कंपनी के वर्कर है इसलिए कि यह वर्कर्स ये चाहेंगे कि उनके साथ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सलूक हो बिहेवियर हो मेरिट बेस्ड हो फिर वेज और सैलरी का जो लेवल है वह भी किसी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करे और आखिरी बात यह है एम्प्लॉयज के हवाले से कि जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं याद है मजलों की हरारकी में भी हमने बात की थी वर्क प्लेस सेफ्टी मस्ट बी देयर एंड आई शुड बी सेफ वाई आई एम वर्किंग देयर आखिरी बात स्टेक होल्डर की जो नहाय अहम स्टेक है वो कम्युनिटी है वो लोग वो एनवायरनमेंट जो आपकी कंपनी के इर्द गिर्द आप पर भी इफेक्ट कर रहे हैं और आप उन पर इफेक्ट कर रहे हैं इस कम्युनिटी का भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेक है अच्छा बाजत आप ये देखिएगा तौर पर एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव के अंदर वो कंपनियां जो पेपर बनाती हैं पेपर प्रोडक्ट बनाती हैं आप कभी अखबार में देखिए कि वो लिखती हैं हम इतने रिस्पॉन्सिबल हैं और इतने रिस्पॉन्सिव हैं कि हम साल में इतने दरख्त उगाते हैं वो आप देखिएगा मुख्तलिफ पार्स के अंदर जाते हैं वहां जाकर वो हफ्ता शजरकारी यौम शजरकारी मनाते हैं स्कूल के बच्चों को भी बात ले जाते हैं अपने एम्प्लॉयज को ले जाते हैं दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग हमने दरख्तों को इस्तेमाल किया पेपर प्रोडक्ट बनाने के लिए और दरख्त लगा दिए ताकि पोलूशन से भी बचा जाए रिसाइकिल भी किया जाए और बहरहाल ये सब वो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं कि जो कम्युनिटी के परस्पेक्टिव के अंदर बड़े इम्पोर्टेंट हैं अच्छा बाजुकात आपने ये भी सुना होगा कि कम्युनिटी सिर्फ लोकल नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी लोग वॉइस रेज करते हैं कंसर्न शो करते हैं और फिर मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज को या उन कंपनीज को जो उन ममालिक में काम कर रही होती हैं उस कंसर्न को सुनना भी पड़ता है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट भी करना होता है कम्युनिटी की बात करते हुए एक नहत अहम इशू जो मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव के अंदर हमारे सामने आता है वो ये आपकी कंपनी योर ऑर्गेनाइजेशन हाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ सोशल बेसिकली देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दट दे वुड सी दो एक्शन विच विल प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव सोसाइटीज वेलफेयर अलॉन्ग दर ओन इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट कंपनी के स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट तो वाच होने हैं। लेकिन सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड सोशली रिस्पॉन्सिव कंपनी वो है कि जो सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी वाच करती है और ऐसे मैनेजर्स जो सोशली रिस्पॉन्सिबल है इस बात का ख्याल रखते हैं कि उस कंपनी की प्रोडक्शन उसके प्रोडक्ट्स, उसके प्रोसेस उसकी सर्विसेस हती के उसके कस्टमर्स सब मिलकर इस बात की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी देखिए सोसाइटी भी आपको बहुत कुछ दे रही है सोसाइटी आपकी कंपनी को वर्कर्स दे रही है सोसाइटी आपकी कंपनी को फाइनेंशियल रिसोर्सेस दे रही है सोसाइटी ही ने तो आपको एक एनवायरमेंट फ्राहम किया और सोसाइटी ही के रिसोर्सेज को यूज करके आपने प्रॉफिट कमाया तो सोशल रिस्पांसिबिलिटी माय डियर स्टूडेंट्स आने वाले दिनों के अंदर आने वाले सालों के अंदर एक अहम फैक्टर होगा और आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपनी कंपनी को कम्युनिटी फोकस, सोशल रिस्पॉन्सिबल कैसे बना सकते हैं और इस लिहाज से ये चीज नहाय अहम है कि ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम देखते हुए आप खुद आपकी कंपनी एथिकली लीगली एनवायरमेंटली किस तरह से ऑपरेट करती है और एनवायरमेंट के प्रेशर्स को कैसे सस्टेन करती है अच्छी है वो कंपनी वेरी वेल रिकग्नाइज बी दैट कंपनी विच इज सोशली रिस्पॉन्सिबल माई डियर स्टूडेंट्स सोशली रिस्पॉन्सिबल एट द इंडिविजुअल लेवल आपकी वजह से आपके साथ बैठा हुआ स्टूडेंट तंग तो नहीं हो रहा आर यू सोशली रिस्पॉन्सिबल आपके डिलीवर किए हुए प्रोडक्ट एंड सर्विस से वो कस्टमर जिसको आप डिलीवर कर रहे हैं हाउ हैप्पी शी इज हाउ सोशल रिस्पॉन्सिबल यू आर हाउ रिस्पॉन्सिव यू आर टू दायरमेंट इन विच यूर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग यही आज हमने लर्न किया ना कि ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेटेड एंटिटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है उस पर मेगा एनवायरमेंट सोसाइटी के ट्रेंड्स इफेक्ट करते हैं उस पर टास्क एनवायरमेंट वो भी इफेक्ट करता है उसका इंटरनल कल्चर वो भी उस पर इफेक्ट करता है और वो स्टेक होल्डर्स जो उस कंपनी के अंदर अपना स्टेक रखते हैं प्रॉफिट में लॉस में वो नहायत अहम है कि कंपनी उसके बारे में ख्याल रखे और आखिरी बात जो तो आज के सेशन की नित अहम थी वो ये कि यू मी एवरी मैनेजर एवरी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स की बेस पर चलती है ना वर्कर्स की बेस पर चलती है हाउ मच सोशली रिस्पॉन्सिबल how much care they have how much respect they have for the society for the people in which they are living and they are earning their profit and if we all do this and become socially responsible this country of ours this globe in which we live would be a beautiful globe to live in let's do it together and let's be socially responsible in all our activities which we do at the individual level or at the group level i appreciate i hope you will in future be socially responsible so with these few words let me stop this session and i will expect you that when you come next time you look into it that how ethically you can be a good moral founded manager of tomorrow's organization and you will be a kind of organization your customers will be happy your stakeholders will be happy so until then खुदा हाफिज़